हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नरेश आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज नेक्स्ट पार्ट ऑन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड दिस इज अ सेशन फॉर टारगेटिंग लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर एंड द कॉलेज लेक्चरर एग्जाम एंड आल्सो क्वेश्चन फॉर नेट जीआरएफ। वी आर प्रोवाइडिंग ऑफलाइन क्लासेस फॉर आईएएस मेंस ऑप्शनल हिस्ट्री एंड जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 1-4, सो यू मे कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम विच हरप्पन साइट द एविडेंस ऑफ फायर ऑल्टर्स हैज बीन फाउंड। कौन से हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? The right answer is A. A is the right answer. You know the concept of fire altar in Harappan civilization mainly emphasized over the religious rituals of the Harappan people. There was no evidence of temples in Harappan civilization, but the Harappan peoples could perform their rituals through the fire altars, and these have been discovered from Lothal, Kalibanga and Banavali. Lothal is a site in Gujarat, Banavali is a site of Haryana, and कालीबंगा साइट इन राजस्थान। तो आप जानते हैं कि अग्नि वेदिका का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन को अभिव्यक्त करता है, जहां मंदिर के कोई अवशेष प्राप्त नहीं होते, फिर भी अग्नि वेदिका या यज्ञ वेदिका के माध्यम से किस तरीके से धार्मिक क्रियाकलापों, कर्म कांडों को पूरा किया जाता था। और 3 स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के जहां से इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जो हड़प्पा के धार्मिक जीवन के बारे में काफी सूचना प्रदान करते हैं और इस रिलीजियस प्रैक्टिस को वैदिक सभ्यता के प्रोजेनिटर के रूप में भी माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। यू हैव टू मैच करेक्टली द 2 हरप्पन साइट्स विद देयर डिस्कवरर इन्वेंटर्स और द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस दीज साइट्स। The right answer is C. C is the right answer. Both 1 and 2 are correct. You know, the Harappan site Dholavira is located in Gujarat, run of Kutch, and the archaeological evidence first collected by Sambhudan Gadbi, a local people, and on the evidences of Sambhudan Gadbi, then Jagpati Joshi and other officials of Archaeological Survey of India started the excavation, and the site was broadly excavated. Later on, Rabindra Singh Bist
contributed. While the Sut Kangen door discovered by Mokler in 1875, you know, Sut Kangen door is the western most expansion of Harappan civilization now in Baluchistan province of Pakistan at the Makran coast. धोलावीरा गुजरात में कच्छ के रण में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी शंभुदान गढ़वी के द्वारा दी गई थी और इस जानकारी के आधार पर जगपति जोशी ने यहाँ पर एक्सकैविशन वर्क स्टार्ट किया और उन्होंने इसको डिस्कवर किया। इसके बाद रबिन सिंह बिष्ट ने बहुत व्यापक रूप में यहाँ उत्खनन संबंधी कार्य कराया और वर्ष 2021 में धोलावीरा को एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। सुत कांगे डोर हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी दिशा में अधिकतम विस्तार है और यह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, मकरान तट पर। मोकलर ने इसको डिस्कवर किया था, इसको खोजा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के स्थल चन्हुदड़ो को भारत का सेफील्ड कहा है? विच स्कॉलर हैज कॉल्ड चन्हुदड़ो द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एज सेफील्ड ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ए, दिस इज द अर्नेस्ट मैकी हु स्टेटेड द चन्हुगढ़ एज सेफील्ड ऑफ इंडिया। यू नो सेफील्ड इज अ सिटी फॉर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन नाउअडेज। चन्हुदड़ो इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर एंड इट इज कॉल्ड द फैक्ट्री साइट फॉर इंडस्ट्रियल साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर वी फाउंड द एविडेंसेज ऑफ सील मेकिंग, बीड मेकिंग, सेल कटिंग एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट। दिस वॉज द क्राफ्ट सिटी। अर्नेस्ट मैके डिस्कवर्ड सो मेनी एविडेंसेस एंड कंपेयर्ड दीज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज विद द सेफील्ड द टाउन ऑफ ब्रिटेन। तो आप जानते हैं कि चन्हुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और यह सिंधु नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसे हड़प्पा सभ्यता का फैक्ट्री साइट या औद्योगिक स्थल भी कहा जाता है। यहाँ से जिस प्रकार के एविडेंसेस मिले हैं उनको अर्नेस्ट मैके ने कंपेयर किया है सेफील्ड से। सेफील्ड जो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का एक औद्योगिक शहर है, उसी आधार पर उन्होंने इसको इस तरीके से कंपेयर किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सील इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता में प्रथम सील या मोहर की खोज किसने की? द राइट आंसर इज ए, दिस इज द एलेक्जेंडर कनिंगम। यू नो एलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द यूरोपियन इंडोलॉजिस्ट एंड बिलोंग्स टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
हु फर्स्ट डिस्कवर द सील ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग 1872-73 एंड थ्रू दीज डिस्कवरीज और इन्वेंशन लेटर ऑन जॉन मार्शल डिड द एक्सकवेशन एट लार्ज स्केल. सील मेनली मेड ऑफ द स्टीटाइट अ सॉफ्ट स्टोन. हाउ एवर सम सील्स वर मेड बाई द मेटल्स एंड द स्टोन्स टू एंड दे आर द इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज ऑफ इंडस स्क्रिप्ट एंड सोशियो एंड द इकोनॉमिक लाइफ. सील या हिंदी में इसको मोहर कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रातात्विक अवशेष है जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंगम ने की 1872 से 1873 की अवधि में, और इन खोजों के आधार पर ही बाद में जॉन मार्शल ने इस दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया. सील मुख्यतः स्टीटाइट स्टोन, सैल कड़ी पत्थर की बनाई जाती थी, जो एक सॉफ्ट स्टोन होता है. यद्यपि कुछ सील मेटल की भी बनाई गई हैं और पत्थर की भी बनाई गई हैं. तो सील से हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है, क्योंकि सील पर जिस प्रकार से आपने इमेजेस को दिखाया है, उनको इंस्क्राइब किया हुआ है, डेपिक्ट किया गया है, ये हड़प्पा सभ्यता के विदेश व्यापार को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. क्योंकि हड़प्पा की सील इराक से, मेसोपोटामिया, ईरान से और सेंट्रल एशिया से भी प्राप्त होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन से हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में है. विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर टू द नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश रेंज. द राइट आंसर इज बी, ओनली सेकेंड इज करेक्ट. सोरतू हुई द आंसर. यू नो सोरतू हुई इज अ साइट नाउ इन अफगानिस्तान नियर द ट्राई जंक्शन पॉइंट वेयर द बाउंड्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मीट्स. वाइल द मुंडी घाट ऑल्सो इन अफगानिस्तान नियर द कंधार, बट विच लाइज इन द बेस्ट ऑफ हिंदू कुश माउंटेन, नॉट इन द नॉर्थ डायरेक्शन. सोरतुगी इज एब्सोल्यूटली इन द नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश रेंज. एंड द अर्लियर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम बोथ मुंडीगाक एंड सोरतुगुई. तो सोरतुगुई अफगानिस्तान के उस स्थल को इंडिकेट करता है जहां वह पाकिस्तान और भारत के साथ में सीमा रेखा बनाता है, और हिंदू कुश पर्वतमाला के एकदम उत्तर दिशा में है. मुंडीगाक भी अफगानिस्तान में है, कंधार के पास, लेकिन यह हिंदू कुश पर्वतमाला के पश्चिम दिशा में है, उत्तर में नहीं है. और ये दोनों ही स्थल हड़प्पा सभ्यता के अर्लियर फेज के बारे में काफी जानकारी देते हैं, और इवन मैच्योर फेज के बारे में, यहाँ से हमें ट्रेडिंग पॉइंट्स के बारे में जानकारी मिलती है कि दोनों स्थल व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे. अधिक संख्या में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. जिस तरीके से स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर और नेट GRF एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं. थैंक यू.